इसको कहते हैं वे, क्या कहने, इसको कहते हैं वे, क्या कहने, ये अब मुद्दा जो जो है कि कहीं मेरा गलत सुर में हाथ ना लग जाए, हमें ये तालीम दिया गया है कि जो अपने सांस पे कमांड हासिल करो। बैंजो एक बलोची फोक साज की हैसियत से मशहूर है, लेकिन लियारी में एक ऐसे ख़ानदान के चश्मो चराग और फनकार मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस बैंजो को ऐजाद किया बल्कि अपनी मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों से बैंजो को एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर पूरी दुनिया में रोशनास करवाया। बेसिकली ये जापानी एक छोटा सा खिलौना था जिसे मोरिता गोरो ने 1912 के दहाई में जो है एज ए टॉय के तौर पर जो है ऐसे खिलौने के तौर पर इसको जो है बनाया था। फिर जो है उसी ज़माने में ये छोटा सा बाजा जो है मेरे जो है दादा के हाथ लगा, तो मेरे दादा ने जो है वो 1912 से लेके 1919 तक इस पर रिसर्च की और इसमें बड़े जो है वो उन्होंने डिज़ाइन जो है आखिर में जो है फाइनल जो डिज़ाइन जो आजकल जो बैंजो जो चल रहा है तो उसके डिज़ाइन को जो है मुंतखब किया और उस पर बहुत सारे तारों को जो है हटा के उन्होंने 6 तारों का सिलेक्ट किया और 6 तारों को जो है उन्होंने नाम दिए और आज तक वो नाम राइज हैं। और मोरिता गोरो ने जो साज़ बनाया उसमें सुर का कहीं तस्करा नहीं है, उसमें सुर चूँकि सुर तो जो है ज़िंदगी है, रूह है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। उस्ताद मुमताज़ सफजल का कहना है कि बैंजो में भी रूहदारी की जा सकती है लेकिन इसके लिए क्लासिकल मौसीकी को सीखना लाजमी है। क्लासिकल मौसीकी जो है बेस है, उसकी बेसिक को जो है अगर आपको जो है किसी भी इमारत को आप अगर कड़ी कर देंगे तो उसकी बुनियादें तो मजबूत हों ना, तो यही बुनियादें इन्हीं 7 सुरों पे जो है सारे गामा पादानी सा, यहाँ जो है ईस्ट में जो है इनको सारे गामा पादानी सा का नाम दिया जाता है, वेस्ट में दो रे मीपा सोला सी दो, ये है तो इन्हीं 7 सुरों पे पूरी दुनिया की जो है म्यूजिक कायम है। पाकिस्तानियों के लिए एजाज की बात है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले इस सपूत का ताल्लुक लियारी पाकिस्तान से है। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ मुसव्वर अली बलोच, सलामती न्यूज़, कराची।